हाँ जी स्टूडेंट्स, आज आप टॉपिक करांगे इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर का, इकोनॉमी एंड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी का। नेक्स्ट टॉपिक का मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। व्हेन द अवेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सिस इज लेस देन वांट्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम एमर्ज। जो साड़ियाँ जरूरत ज़्यादा हो ते उन्हां जरूरतों को पूरे करने वाले जो साढ़े को रिसोर्सिस का तत् नहीं, अगर वह घट हो सू प्रॉब्लम्स नू फेस आउट करना पैंदा वा। In fact, the limited resources have the alternative uses to satisfy the unlimited wants. इस लई जेडे साडे को लिमिटेड फैक्टर्स ने, यानी जेडे को साडे को लिमिटेड रिसोर्सिज ने, उन्हां लिमिटेड रिसोर्सिज दे नाल असी जिहड़ियां अनलिमिटेड वांट्स ने उन्हां नूं सैटिस्फाई करते हैं। रिसोर्सिज एक ते ओ एक रिसोर्सिज दे नाल असी अपनियां बहुत सारियां जरूरतां नूं पूरा करते हैं। Hence, it is to be decided how should the resources to be used ऑप्टिमली। इसलिए असी यह सोचते हैं कि किस तरीके नाल अपने जेडे रिसोर्सिज आ उन्हां नूं यूज करिए। दिस प्रॉब्लम ऑफ द चॉइस गिव बर्थ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। हुण जदों असी चॉइस करनी आ, यह चॉइस साडे कोल की है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम नूं जन्म दिंदी आ। दस द इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज रिलेटड विद द ऑप्टिमम यूज ऑफ द लिमिटड रिसोर्सिज सो दैट मैक्सीम ह्यूमन वॉन्ट्स आर सैटिस्फाई एंड द ऑप्टिमम ह्यूमन वैलफेयर इज अचीव। इसलिए इकनोमिक प्रॉब्लम्स ने, यह इकनोमिक प्रॉब्लम जिहड़ियां साड़ियां रिलेट तां हुंदियां ने, यह साडे कोल जनरेट तां हुंदियां ने क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सिज ने। इसलिए असी वध तों वध यह देखते हैं कि असी अपने लिमिटेड रिसोर्सिज दे नाल ह्यूमनस दे मैक्सीमम सैट वॉन्ट्स नूं सैटिस्फाई कर सकीए, ते इस तरीके उन्हां नूं जिहड़ियां वॉन्ट्स ने जिहड़ियां उन्हां दियां जिन्नियां ज़्यादा सैटिस्फाई होणगियां उन्ना ही उन्हां दा ह्यूमन दा जिहड़ा वैलफेयर लैवल आ उह अचीव किया जाऊगा, यानी इनक्रीज होगा, उन्हों का मनुख का कल्याण ज़्यादा होगा। नैक्सट आदि ने, हैंज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑर्गनाइज फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ द चॉइस। ये जी सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ, ये सानू आदि ने क्योंकि साढ़े को जोड़े रिसोर्सिज आ उन्हों रिसोर्सिज चॉइस करने के सू परेशानी आती है कि रिसोर्सिज के नाल असी कि वॉन्ट्स कंप्लीट कर दीए। द प्रॉब्लम ऑफ द चॉइस एमर्ज ड्यू टू द लिमिटेड अवेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सिज इन कंपेरिजन टू अनलिमिटेड वॉन्ट्स ऑफ द मैनकाइंड। ये प्रॉब्लम सानू तां फेस करनिया पै रही ने क्योंकि लोगों दिन जरूरत ने वो अनलिमिटेड ने, तो उन्होंने जरूरत को पूरा करने वाले जोड़े तत्त आडे को बहुत घट ने। नैक्सट आता वा कॉजिज ऑफ एमर्ज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। फस्ट पॉइंट आता वा अनलिमिटेड वॉन्ट्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजिज ड्यू टू द अनलिमिटेड वॉन्ट्स ऑफ द मैनकाइंड। हम जी साडे कोल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ, एक क्यों अराइज हुई है, क्योंकि जिहड़े ह्यूमनस ने उन्हां दी जिहड़ियां वॉन्ट्स ने वो अनलिमिटेड ने। नो वन कैन सैटिस्फाई ऑल हिज वॉन्ट्स। हर एक मनुख अपनियां सारियां जरूरतां नूं कदे भी पूरा नहीं कर सकदा। वैन वन वॉन्ट्स इज सैटिस्फाई इट गिव बर्थ टू मैनी अदर वॉन्ट्स। जदों मनुख अपनी एक जरूरत नूं पूरा करता वा, एक जरूरत पूरा करन तो बाद उहदी जिहड़ी दूसरी जरूरत आ उह जन्म लै लैंदी आ। हैंस इंपॉर्टेंट वॉन्ट्स आर गिवन प्रायोरिटी ओवर ऑल अदर वॉन्ट्स एंड दिस प्रॉब्लम ऑफ द चॉइस गिव बर्थ टू द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। हुण उन्हां मनुख दीआं बहुत सारियां जरूरतां हुंदियां ने, उन्हां जरूरतां दे विचों उहनूं इह नहीं पता लगे कि कीहड़ी वॉन्ट नूं उह प्रायोरिटी देवे, तां इस तरीके दे नाल जिहड़ियां सानूं जिहड़ी रिसोर्सिज आ उन्हां रिसोर्सिज नूं चॉइस करन दे विच प्रॉब्लम आ जांदी आ, ते उहदे नाल ही साडी जिहड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ उह बर्थ लैंदी आ, यानी जन्म लैंदी आ। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ परसन हैज़ अ साइकल। अगर एक परसन कोल साइकल आ, ही विश टू परचेज अ मोटरसाइकल, तो वह विश करता वा कि मैं मोटरसाइकिल खरीद लवा। एंड वैन ही मोटरसाइकल, ही विश टू परचेज अ कार। अगर वो कोल मोटरसाइकिल आ, तो विश करता कि मैं कार परचेज कर लवा। हैंस ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड एंड दीज अनलिमिटेड वॉन्ट्स गिव द बर्थ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ठीक है, इस तरीके नाल कि जिहड़ी ह्यूमन वॉन्ट्स ने उन्हां दी जरूरतां ने अनलिमिटेड ने, ये अनलिमिटेड जरूरतां ने जिहड़ियां ये सानू इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स नूं जन्म दिंदियां ने। नैक्सट प्रॉब्लम आती है लिमिटेड रिसोर्सिस। देयर इज़ अ लिमिटेड अवेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सिस विद द मैनकाइंड। ठीक है, वॉन्ट्स ज़्यादा ने ते उन्हां वॉन्ट्स नूं पूरा करन वाले जिहड़े साडे कोल रिसोर्सिस ने उह लिमिटेड ने। द रिसोर्सिज आर सैट टू बी स्कार्स बिकॉज द सप्लाई ऑफ द रिसोर्सिज इज़ लैस दैन देयर डिमांड्स। हम जो साडे कोल रिसोर्सिज ने वो रिसोर्सिज घट ने, पर जिहड़ियां साडे कोल डिमांड्स आ
डिमांड की सप्लाई साढ़े को ज़्यादा वा। इट कैन बी प्रजेंट इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन दे विच उन्होंने शो किया वा सप्लाई ऑफ द रिसोर्सिज लैस दैन द डिमांड ऑफ द रिसोर्सिज। ठीक है, यानी रिसोर्सिज साढ़े को घट नहीं पर साड़ियाँ डिमांड ज़्यादा वा। फ्रॉम दिस इक्वेशन इट बिकम क्लीयर दैट द सप्लाई ऑफ द रिसोर्सिज इज लैस दैन द डिमांड फॉर द रिसोर्सिज। इट गिव द बर्थ टू इकनोमिक प्रॉब्लम। हम इस इक्वेशन तो ये सानू क्लीयर हो रहा वा कि जोड़े साढ़े रिसोर्सिज ने वो घट ने डिमांड नालों, डिमांड जारी साड़ी आ ज़्यादा वा, यानी ह्यूमन वांट्स दिया ह्यूमन दिया वांट्स ने वो ज़्यादा ने, ह्यूमन दिया वांट्स ज़्यादा होने करके जिहड़ियां इकनोमिक प्रॉब्लम्स आ वो जन्म लैंदी आ। नैक्सट प्रॉब्लम आ रही है अल्टरनेटिव यूजिज ऑफ द रिसोर्सिज। एज द वांट्स आर अनलिमिटेड दीज देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव यूजिज ऑफ द रिसोर्सिज। जिहड़ियां जरूरतां ने वो अनलिमिटेड ने, इस दे लई जिहड़े साढ़े कोल रिसोर्सिज आ उन्हां दा असीं अल्टरनेटिव यूज करते हैं, यानी उन्होंने असीं एक तो वध वार अपनियां वांट्स नूं कंप्लीट करन दे लई वरतदे आ। फॉर एग्जाम्पल मिल्क कैन बी यूज टू प्रिपेयर अ टी। जिवें उदाहरण दित्ती है एक मिल्क दी, मिल्क कैन बी यूज टू प्रिपेयर अ टी, क्रूड बटर, और इट कैन आलसो बी ड्रंक। इट कैन आलसो बी यूज टू प्रिपेयर अ स्वीट। जिवें इत्थे एग्जाम्पल लई आ मिल्क, साढ़े कोल रिसोर्सिज आ मिल्क, हुण असीं मिल्क नूं देखो कितें कितें यूज करते हैं, टी भी बनाउंदे आ, दही भी बनाउंदे आ, बटर भी बनाउंदे आ, पीण लई भी यूज करते हैं, फरदर असीं इहनूं असीं स्वीट्स बनाउण लई भी यूज करते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ द अल्टरनेटिव यूजिज ऑफ द रिसोर्सिज आलसो गिव द बर्थ टू द इकनोमिक प्रॉब्लम। इसलिए एक साढ़े कोल रिसोर्सिज आ ते उस रिसोर्सिज नूं असीं अपनियां बहुत सारियां जरूरतां पूरियां करन दे विच वरतदे आ, इसलिए इकनोमिक प्रॉब्लम्स जन्म लैंदियां। नैक्सट साढ़े को प्रॉब्लम आ रही है डिफरेंस इन द अर्जेंसी ऑफ द वांट्स। ह्यूमन वांट्स आर नॉट ओनली अनलिमिटेड बट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम सम वांट्स आर मोर इंपॉर्टेंट अदर दैन द वांट्स। जिहड़ियां ह्यूमन वांट्स ने ये असी अनलिमिटेड नहीं कह सकते हैं, बट कई बार इदा का हों कि साड़ी एक जरूरत आ जिहड़ी वह दूजी जरूरत नालों ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी है। फॉर एग्जाम्पल द इंपॉर्टेंस ऑफ द नीड ऑफ द वूलन क्लोथ। जिमें एग्जाम्पल लिए इतने वूलन क्लोथ की इज़ मोर इंपॉर्टेंट दैन एनी अदर नीड इन द विंटर। दिस आल्सो लीड टू द प्रॉब्लम ऑफ द चॉइस विच इन टर्न द गिव बर्थ टू द इकनोमिक प्रॉब्लम्स। जिमें एग्जाम्पल लिए वूलन क्लोथ की कि सर्दियों के सू बाकी जरूरत के नालों बाकी जड़ी साड़ी वॉन्ट्स ने उन्हों तो पहला असी अपनी वूलन क्लोथ की जी वॉन्ट आनू पूरा करा। दिस आलसो लीड टू द प्रॉब्लम ऑफ द चॉइस विच इन टर्न गिव द बर्थ ऑफ द इकनोमिक प्रॉब्लम। हम इस तरीके दे नाल किया दूजिया भी तो साड़िया जरूरत ने जिन्होंने असी पूरा करना वा, हम असी अपनी दूसरी जरूरत छड़ के अपनी वूलन क्लोथ वाली जरूरत नू पूरा कर रहे हैं। इस तरीके जी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आ इकनोमिक प्रॉब्लम जन्म दिंदी है।